क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी। फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कुछ दिन पहले ही फैयाज शेख पर जुलेखा टावर में महिलाओं से गाली गलौज का आरोप लगा था, मगर इस दौरान काफ़ी हंगामा भी हुआ था। मगर अब बिल्डर भी इस मामले में सामने आकर मीडिया में बयान दे रहे हैं। विनस कंस्ट्रक्शन के मालिक इम्तियाज और रफीक खान ने भी बताया है कि फैयाज शेख को जुलेखा चौल के घर के बदले में घर दिया गया था, मगर वो अपना घर बेच दिया है। इमारत की वायरिंग और भी इसी तरह के कई काम हम उसे दिया करते थे और वो इन काम को किया करता था, मगर उसके पास घर ना होने की वजह से हमने उसे जुलेखा टावर में ही 703 नंबर मकान किराए पर रहने के लिए दिया, जिसका किराया हम खुद भरते थे। गुडलक के तौर पर हमने उसे रूम नंबर 708 देने का वादा किया था, मगर 708 रूम नंबर अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। जब बनकर रूम नंबर 708 तैयार होगा तो फैयाज को दिया जाएगा, मगर फैयाज ने महिलाओं से गाली गलौज जैसी हरकत की है, इसकी वजह से उसे अब घर नहीं देंगे। हालांकि इम्तियाज का कहना है कि हमारे साथ रहेगा तो गुडलक के तौर पर घर नंबर 708 उसे देंगे, मगर जो एग्रीमेंट इनके बीच में बना था गुडलक के तौर पर, उस एग्रीमेंट में इस बात का जिक्र कहीं भी नहीं है कि फैयाज इम्तियाज के साथ अगर रहेगा तभी उसे गुडलक के तौर पर 708 नंबर घर दिया जाएगा। फैयाज ने कहा कि उनके 250 स्क्वायर फीट के 4 रूम थे, मगर बिल्डर ने सिर्फ 2 रूम दिया है, अभी चौल के 2 रूम नहीं दिया है और एक रूम 708 नंबर जो मेरा पैसा बाकी है उस रूम के बदले में फैयाज शेख को देना था 708 नंबर रूम, मगर अभी नहीं दिया गया है। इस पूरे मामले में बिल्डर रफीक खान और इम्तियाज ने क्या कहा है, सुनिए। नहीं नहीं, बिल्डिंग बना है हमारे इम्तियाज भाई ने, इम्तियाज सैयद ने बिल्डिंग बना है और उनको बनाने के बाद में उसका 250 स्क्वायर फीट का 40 रूम था, जो 40 मुझसे लिया था उसने 15-17 साल पहला, 250 के बदले में 350 स्क्वायर फीट का इम्तियाज भाई ने उसको परमानेंट दे दिया, उसने ताबा लिया, उसको बेच दिया, ये उसका एग्रीमेंट है। अच्छा, उसने बेच भी दिया? हाँ, बेच भी, 2013 में लिया, बेच भी दिया। अच्छा, कौन सी बिल्डिंग में उसे आपने घर दिया था? जुलेखा टावर सेविंग में, ग्राउंड फ्लोर पे। कितने ग्राउंड फ्लोर पे? ग्राउंड फ्लोर 350 स्क्वायर फीट का, 250 का उनका एरिया था। हाँ। तो इंतजार बैंक से 100 स्क्वायर फीट उसको बढ़ा के 350 स्क्वायर रूम दे दिया। अच्छा, कितने साल पहले बेचा? 2013 में उसको दे दिया था, उसने 1 साल बाद बेच दिया उसने। 4 साल बाद? जी जी। तो उसके बाद फिर अभी जो शुक्रवार के दिन घटना हुई है जी, तो उसका कहना है कि आपने उसे कोई घर दिया है, उसमें वो रहता है 7वें मंजिल पे जी, जी, में जी। तो वो फिर कैसा आपने दिया, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो भी कह रही हैं कि वो यहाँ से घर बेचकर चला गया था जी। तो फिर आपने उसे घर कैसे जो घर बेचा उसने, वही जो बिल्डर इम्तियाज भाई ने जो घर दिया था उसको वही बेच के चला गया था, लेकिन कैसा इम्तियाज भाई साथ में जुड़ा हुआ था, पहले से जुड़ा हुआ था, तो इम्तियाज भाई कहते मेरा साथ देगा, मेरा सपोर्ट करेगा, साथ में रहेगा, तो तेरे को मैं गुडलक में एक रूम तेरे को दे दूंगा। अच्छा। तो गुडलक में जब रूम बनाए नहीं तो इम्तियाज भाई ने उसको दिया ही नहीं, लेकिन फिर मेरे पास आया बाल बच्चे, उसको बाल बच्चे परेशान थे, बोले घर बच दिया, रोड पे हो, परेशान हूँ भाई, मेरे को कम से कम रहने का बंदोबस्त करके दे दो। बोले देख बेटा अभी तक बना नहीं है, है ना, बनेगा तो इम्तियाज भाई तेरे को दे देगा, बनाए नहीं, बोले भाई परेशान हूँ। फिर मैंने एक पहचान वाले का रूम था उसका रूम उसको रहने को दे दिया, मतलब भाड़ा जो मैं भर दूंगा तू रहे करके, वो रूम में रह रहा है रूम का, उसको ये उससे झगड़ा कोई मगर झगड़ा करेगा नहीं। अच्छा, और गुडलक का जो है गुडलक के तौर पर जो उसको टेम्पररी रहने को दिया, गुडलक रूम वाला बना नहीं, गुडलक का रूम बनेगा, गुडलक का रूम बनेगा, 707-708 नंबर रूम था गुडलक वाला, और रहने को उसको दिया मैं 705 वाला, और वो भी दूसरे का रूम लेके दिया ताकि इसकी मजबूरी पे रहे और अपना विषय बाल बच्चों का बाल बच्चे साथ में रहेंगे तेरे साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, साथ में पूरा काम खत्म होने तक साथ में रहेगा। इसके लिए मैंने बोला था तू साथ में लास्ट तक रहना तो तेरे को मैं तेरा जो दिए तो दे दिया हूँ, अलग से मैं तेरे को एक गुडलक में दे दूंगा। मैंने साथ में लास्ट तक जुड़ा हुआ रहना, मगर वायरिंग के काम में भी क्या किया ना कि उसने
उल्टा सुल्टा बिल बना करके मैन के पास चला गया, मैन कॉम्पाउंड लेकर के पास, बोले भाई मेरा पैसा नहीं दे रहा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, इतना मेरा बिल बाकी है। मैन मैन ने मुझे बुलाया और मैं वो बताया भाई इसका पैसा वैसा बाकी है। मैं बोला भाई ये जो बिल बनाया ना इसका इतना पैसा बनता ही नहीं है, वो साइड के ऊपर वायरिंग है, जाके आप देख लो ये रेड में। मैंने मैंने अपना एक बंदे को भेजा वहाँ पे, उसने पूरा बिल बना कर... भाई वो बात अलग है, लेकिन अभी अभी जो घटना हुई है तो इसको लेकर जो आप लोगों ने गुड लक के तौर पर इसे देने की बात कही थी, लेकिन जिस तरह की घटना सामने आई, अभी गुड लक का रूम भी बन के तैयार नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं ऐसी घटना हो गई, तो आगे आप लोग क्या नहीं, गुड लक आपके जो उसका घर था उसके बदले में आपने घर दिया वो बेच दिया, तो अभी आप आगे आप लोग उसको घर देंगे या नहीं देंगे? देखो गुड लक है ना, गुड लक तो उसको दिया जाता है जो साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, मेहनत करेगा, उसको दिया जाता है। इसका जो हक्का था उसको दे दिया, उसने बेच दिया, सारे पेपर हमारे पास गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर पे सब लिखा हुआ है। अब गुड लक जो देने की बात थी उससे मैं अभी गुड लक उसको देने के बारे में ना साफ साफ मना कर दूंगा। मैं उसका भी एक कोई 100 स्क्वायर फीट 800 तो नहीं 8 स्क्वायर फीट भी गुड लक में नहीं दूंगा। वहीं इन पर फैयाज शेख कुछ अलग ही आरोप लगा रहा है। फैयाज शेख ने भी क्या कुछ कहा है सुनिए। रफीक बिल्डर का और आपका रूम को लेकर क्या मामला है पूरा? रफीक बिल्डर और मेरा ये मामला है कि हमारा 1000 स्क्वायर फीट का 40 में रूम था, उसके बदले में हम लोग को 4 रूम देने का वादा किया था और मैंने काम वायरिंग का लिया था कॉन्ट्रैक्ट, उसके बदले 1 रूम देने का वादा किया था। अच्छा, तो दिया क्या रूम आपको? नहीं दिया अभी तक। 4 रूम में से कितना रूम मिला आपको? अभी तक 4 रूम में तो खाली 2 ही रूम मिला है, और जो काम के बदले में देने का वो भी रूम नहीं मिला, उसके लिए तो मचमच चल रही है लफड़े के लिए। अच्छा, तो कितना नंबर ये अभी आपको, जैसे रफीक बिल्डर ने बताया है कि वो आपको 703 नंबर या 5 नंबर रूम में रहने के लिए दिए हैं और आपका रूम जो है अभी वो बना नहीं है, 708 नंबर रूम, 708 नंबर अभी 705 में रह रहा हूँ मैं, लिफ्ट रूम में, लिफ्ट रूम में, लिफ्ट आई है उसमें, उसका गाला आया है। हाँ, तो उसका उसके बाद तुम्हें जो है वो दिया गुड लक के तौर पर, ऐसा कह के दिए थे क्या? नहीं, गुड लक का गुड लक देगा वो, 1 रुपया नहीं देता है वो, गुड लक देगा मुझे वो, तो मेरा वायरिंग का पैसा तो उसने बोला, तो वायरिंग जो पैसा लिखा था वायरिंग का जो मेहनत का क्या वो पैसे में, देखो मैं 800 स्क्वायर फीट का घर दूंगा और 4। अच्छा, अभी आप कह रहे हो कि जो है वो पैसा रूम जो है आप जो काम किए उसके बदले में दे रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि तुम उनके साथ रहोगे तो रूम देते, ऐसा कुछ हुआ था बात? साथ कहेगा, साथ का कुछ भी नहीं, वो ऐसी बात ही नहीं थी कुछ साथ देने की या कुछ। मैं क्या साथ दूंगा, वो बिल्डर था वो बना रहा था, मैं खाली देख रेख कर रहा था, और पानी का काम था उसका, मेरे को 10,000 रुपये पगार दे रहा था वो। अच्छा, वो भी 4 महीना दिया है बस मुश्किल से, वो भी पैसा बाकी है मेरा पैसा। यानी जो 1 रूम है वो आपके आपके काम के एवज में देने के बाद? हाँ, 450 कह दिया, उसका पेपर भी है मेरे पास, पूरा टोटल प्रूफ भी मेरे पास। तो अभी क्यों ऐसा कर रहे हैं बिल्डर, नहीं देने को बोल रहा है? लोग बोल रहे क्या काम रुक गया, तो अब देखो क्या कर देगी, हम लोग को लॉस में आ गया है क्योंकि वो बिल्डिंग 7 माले की बन गई जो 8 माले की प्लेन हिसाब से, और यही बात उन लोग का भी, रेशमा लोग का भी रूम 250 का था, उन लोग को 3 फ्लैट दिया है बिल्डर ने, फर्रो आपा को 3 फ्लैट दिया है, 1-2-3 माले पे एक साथ 2 फ्लैट दिया, रेशमा को 5 फ्लैट लिए, मामू को, भाई को, माँ को और दूसरे वाले भाई को, उसके 5 फ्लैट है। और ये मेंटेनेंस का ना पहले मेरे हाथ में था, जब मिल्टी में पब्लिक ज्यादा आ गई ना, नहीं जिसको क्या मिला वो छोड़ो ना, लेकिन आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं आपको रूम मिल पा रहा है, आखिर क्या वजह है इसकी? इसकी मेन वजह है रफीक कामदार, रफीक कामदार के, ये रफीक कामदार मेरे को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, और मैं रफीक कामदार मेरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, क्या बोलना चाहता है वो, क्योंकि बिल्डर्स के साथ मिलकर अब बिल्डिंग में कोई है नहीं, तो रफीक कामदार ही ऐसा आदमी है जो हमसे लड़ रहा है और बोलता है मैं तेरे को रूम दूंगा नहीं, मैं ले लूँगा तेरा रूम, साहब ऐसा बोल रहा हूँ। तो आपने शिकायत वगैरह की है क्या? शिकायत किया ना मैंने, अर्जी दिया बूमर पुलिस चौकी में, तो मैं इसको सुनवा नहीं, 3 बार गया मैं खून लेकर चौकी में, मेरी सुनवाई नहीं हुई, तो मैं DCP के बाद ये सब NC देकर आया हूँ। बहरहाल फैयाज का बिल्डरों पर कुछ अलग ही आरोप है और बिल्डर अब इसे घर देने को राजी नहीं है, क्योंकि जुलेखा टावर की महिलाएं फैयाज पर काफ़ी भड़की हुई हैं गाली गलौज देने के मामले में। हालांकि फैयाज का भी कहना है कि उसने महिलाओं से गाली गलौज नहीं की है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टीम।